नमस्ते, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ ब्रेक सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उसके क्या कारण रहते हैं और क्या समाधान रहते हैं। तो दो टाइप की प्रॉब्लम रहती है ब्रेक में, एक तो पुअर ब्रेकिंग रहती है, एक स्पॉन्जी ब्रेकिंग रहती है, यानी ब्रेक पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम, और दूसरा स्पॉन्जी ब्रेकिंग यानी काम भी कर रहा है लेकिन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो पुअर ब्रेकिंग का क्या कारण रहता है, सबसे पहले डिस्क ब्रेक का बताता हूँ फिर ड्रम ब्रेक का बताता हूँ। यदि पुअर ब्रेकिंग हो रही, सबसे पहले डिस्क ब्रेक का बता रहा हूँ आपको, ग्लोजी ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड है वो थोड़े गीले हो गए हों, ग्लोसी हो गए, उसकी वजह से काम नहीं करता है। बर्म आउट ब्रेक पैड, और यदि वो ख़राब हो गया उसकी वजह से भी पूरा ब्रेक काम नहीं करेगा। बर्म आउट डिस्क यदि ख़राब हो गए, डिस्क प्लेट ख़राब हो गई, उसकी वजह से ब्रेक काम नहीं करेंगे। लीकेज ऑफ ब्रेक फ्लूड, जो ब्रेक फ्लूड रहता है उसके अंदर वो लीकेज हो गया, उसकी वजह से भी ब्रेक काम नहीं करेंगे डिस्क ब्रेक में। स्टिकी कैलिपर पिस्टन असेंबली, जो इसके अंदर जो पिस्टन और असेंबली लगी रहती है वो यदि वो जाम हो गई, उसकी वजह से भी काम नहीं करेंगे डिस्क ब्रेक। अब ड्रम ब्रेक का मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रम ब्रेक स्टिकी ब्रेक पेडल लीवर, ब्रेक पेडल लीवर रहता है वो जाम हो गया, उसकी वजह से ब्रेक नहीं लगेगा ड्रम ब्रेक। दूसरा स्टिकी ब्रेक केबल, जो ब्रेक की केबल रहती है वो यदि इसके अंदर जाम हो गई हो तो भी ब्रेक नहीं लगेगा। तो आपको केबल को देखना है, पेट को देखना है। इनकरेक्ट फिटबैंड कैम लीवर एंगल, जो पीछे वाला पहिया रहता है आगे वाला पहिया के ऊपर कैम लीवर लगा रहता है, यदि वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, एक एंगल पर फिट नहीं है तो ब्रेक कभी काम नहीं करेंगे। तो उनको एक बार देखना है, उसको फिर सही ढंग से फिट करना है। अनलीवर वन आउट ब्रेक शू और ड्रम, यदि ब्रेक शू और ड्रम खराब हो गया तो ये खराब हो गया तो ब्रेक नहीं लगेगा, ये पुअर ब्रेकिंग का है। अब स्पॉन्जी ब्रेकिंग का मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क ब्रेक में, एयर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यदि डिस्क यदि प्रॉपर तरीके से लग रहा है कभी नहीं लग रहा है तो उसके क्या कारण रहते हैं। डिस्क ब्रेक का बता रहा हूँ, एयर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है उसके अंदर एयर आ गई है, बबल्स आ गए हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज, और जो उसके अंदर जो हाइड्रोलिक ऑयल डल रहा है वो लीकेज हो रहा है, उसकी वजह से भी ये ब्रेक काम नहीं करेंगे। इसके बाद लो फ्लूइड लेवल इन मास्टर सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर जो मास्टर सिलेंडर लगा रहता है डिस्क ब्रेक के पास में, हैंडल के पास में, वो उसके अंदर का जो ऑयल रहेगा वो कम है, उसकी वजह से भी फिर ये ब्रेक काम नहीं करेंगे। रन आउट बार पेज और डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक के जो पेड रहते हैं वो ख़राब हो गए, उसकी वजह से भी फिर ब्रेक लगेंगे और नहीं लगेंगे, दोनों काम होता है। स्टिकी कैलिपर पिस्टन मूवमेंट, इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक के अंदर जो पिस्टन और कैलिपर लग रहते हैं वो यदि जाम हो गया तो ब्रेक काम नहीं करेंगे। इसके बाद आपका ड्रम ब्रेक, रन आउट इन ब्रेक ड्रम, ब्रेक का अंदर का जो ड्रम है वो रन आउट हो गया, ख़राब हो गया, उसकी वजह से भी फिर तरीके से ब्रेक नहीं लगेंगे। एक्सेसिव प्ले इन व्हील बेयरिंग, व्हील बेयरिंग के बीच में यदि ज़्यादा प्ले आ गई हो उसकी वजह से भी ये प्रॉपर तरीके से बेयरिंग ब्रेक नहीं लगेंगे। बेंड व्हील एक्सल, यदि एक्सल ख़राब हो गया हो उसकी वजह से भी प्रॉपर तरीके से ब्रेक काम नहीं करेंगे। डस्ट बिटवीन ब्रेक शू एंड ड्रम, जो धूल का जो कण रहता है वो ब्रेक और ड्रम के बीच में आ गया तो भी ब्रेक सही ढंग से काम नहीं करेंगे। तो आपको इसको अच्छे से चेक करना है, देखना है। स्टिकी मूवमेंट ऑफ ब्रेक रोड और केबल, केबल ब्रेक रोड यदि जाम हो रहे हो उसकी वजह से भी फिर काम नहीं करेंगे। ब्रेक शू पिवट पिन बेंट और पोजिशन ऑफ सेट, ये ख़राब हो गए तो प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप काम कर रहे हो तो दोनों चीज़ देखना है, डिस्क ब्रेक देखना है। बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है जिसके आगे वाला पहिया में डिस्क ब्रेक रहता है और पीछे में ड्रम ब्रेक रहता है, तो मैंने आपको पूरा सजेशन बताया डिस्क ब्रेक का, ड्रम ब्रेक का। तो आपको ये सजेशन आप लिख लेना, और जो मैं बताता हूँ आप उसके ऊपर अमल करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।